हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। हम आपको ले चलते हैं ऐसे आबशार पर जो आप शायद ज़िंदगी में देखे होंगे, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऐसे जगह बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि ऐसी डेंजरस जगह जाना थोड़ा रिस्की भी होता है। हम जिस जगह आपको लेकर जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और जंगली जानवर के भी थोड़े खतरात नज़र आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ के एक आदिवासी साहब से मैंने पूछा, क्या यहाँ पर जंगली जानवर का कुछ अंदेशा है, तो उनका नाम था रमेश। रमेश सर से मेरी ऐसी बात हुई कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा अंदेशा है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी ऐसे कोई हादसा सुनने में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको लेकर चलते हैं। और जो घूमने के पसंदीदा लोग हैं उनके लिए बड़ा मज़ा आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ज़िंदगी में अगर जीना है तो ज़िंदगी जो है तो एतदाल में जिए। एतदाल से मुराद ये कि काम के वक्त तो काम, घूमने पिकनिक के लिए कोई दिन ऐसा मुतय्यन किया जाए, वन डे टूर या दो दिन का टूर, और अपने अपने हिसाब से लोग एडजस्टमेंट करते हैं। खैर, ये पॉइंट नंबर वन है। यहाँ पर आपको आबशार मिलेगा देखने का, बड़ा ज़बरदस्त है ये आगे हमें तकरीबन यहाँ से पॉइंट नंबर टू पर बाइक से जाना रहेगा, तो यहाँ से तकरीबन पॉइंट नंबर टू के लिए गालबन 2 किलोमीटर चलना रहेगा। 2 किलोमीटर के बाद पॉइंट नंबर टू आएगा। पॉइंट नंबर टू एक जंगल में से जाएगा रास्ता, जिसमें से पानी में से हल कर हम लोग को जाना रहेगा। वो इंतहाई ख़तरनाक है, वहाँ पर चिड़िया और जंगली जानवर का भी अंदेशा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है वो, तो वहाँ हमको जाना रहेगा। वहाँ पॉइंट नंबर टू पर है वो। पॉइंट नंबर टू से फिर हमें पॉइंट नंबर थ्री पर जाना रहेगा, जो इस पॉइंट का जो सबसे मेन हिस्सा है, जहाँ पर दो पहाड़ों के बीच में से वहाँ पर गुफा भी है, और वहाँ से पानी जो निकल कर आ रहा है। आगे क्या है, हम वहाँ पहुँचने तक तो हमें शाम हो जाएंगी, लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन जो अंदर जो गुफा है उसमें थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि शाम का वक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी ही 3 बज रहा है। ये पॉइंट नंबर तीन पर ही 3 बज चुका है, सॉरी पॉइंट नंबर वन पर ही 3 बज चुका है, तो यहाँ से निकलने में हमें तकरीबन 2 घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो ये पॉइंट नंबर एक था। अब हम यहाँ से चलते हैं हम पॉइंट नंबर टू पर। पॉइंट नंबर टू ये भी आबशार है। ये पॉइंट नंबर टू आबशार ऐसा है, बड़ा बेहतरीन है ये। शायद ऐसा आबशार जो है तो हमें डिस्कवरी चैनल पर या फ़ोटो पर या इमेजेस वगैरह में देखने में आता है, लेकिन जो नासिक से करीब है और धुलिया है, मालेगांव है, मनमाड़ है, अगर ये आना चाहे तो ये लाइव देख सकते हैं, ये इतना ज़बरदस्त है। अब पॉइंट नंबर टू पर चलते हैं हम। नंबर टू के लिए हमें पानी में से हल कर जाना रहेगा, ये काफ़ी ख़तरनाक है। चलते हैं पॉइंट नंबर टू पर। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट नंबर टू पर हम आ चुके हैं। ये पॉइंट नंबर टू है, ये भी बड़ा बेहतरीन है। बहुत संभाल के चलने वाला है। खूबसूरत, सुहाना, बेहतरीन मंजर है। ये थोड़ा पानी में उतर रहे हैं।
अरे बड़ा खूबसूरत है, वाह। ये थोड़ा अरे ये बड़ा मजा आ रहा है। प्लास्टिक के लेके आओ का, अरे जबरदस्त, कहाँ लेके आना। अरे बहुत झोंका है, बड़ा मजा आ रहा है, ये बेहतरीन सुहाना। क्या थोड़ा गहरा है, अगर जैसे तिरने का ढंग नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बरन बड़ा बेहतरीन है। यहाँ थोड़ा गहरा है, यहाँ संभल कर जरा सा। हाँ हाँ, ये इधर किनारे से आओ, किनारे से आइए असद भाई। बड़ा खूबसूरत, वाओ ब्यूटीफुल। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों का मंजर है चारों तरफ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यह ऐसा मंजर मानसून के अलावा बहुत कम देखने में आता है। मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये क्यों भाग रहा है, ये भागते हुए क्यों आ रहा है, आराम से आराम से। वाओ ऐसे पॉइंट पर कभी आपको आना हुआ ऐसे पॉइंट पर, तो थोड़ा सा तैरने का ढंग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात कहीं गड्ढा आ जाता है तो उसमें इंसान का पैर फिसलने से तकलीफ़ हो जाती है। हाय दोस्तों, ये अभी तक तो पॉइंट नंबर 2 हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर तीन जो है ये आखिरी पॉइंट है। हमें यहाँ पानी में हल कर जाना रहेगा, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो पानी के बहाव की वजह से हम 20 मीटर की रस्सी भी लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से पानी में हल कर जाना है और कड़ी बना कर जाना रहेगा। कड़ी बना कर जाने की वजह ये है कि बहाव इतनी तेज़ है कि अगर हम अकेले गए तो बहने का अंदेशा हो सकता है। और ये देखिए मंज़र कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना है, ऐसा लगता है कि DDL फिल्मों यहीं उतरी हो। खैर, हमें कड़ी बना कर पार करना रहेगा नदी, बहुत ज़्यादा बहाव होने की वजह से रस्सी पकड़ कर जाएंगे। यहाँ से पार करने के बाद पहाड़ का पूरा रास्ता चलना रहेगा, वो तकरीबन पॉइंट नंबर 3 पर जाने के लिए गालबन 1.5 किलोमीटर चलना रहेगा। हाय दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, अब पॉइंट नंबर 3 पर जाने के लिए ये पहाड़ का पूरा हिस्सा चलना रहेगा। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए साइड से नीचे का हिस्सा साइड में दिख रहा है, पानी आ रहा है आबशार की तरफ से, बस वहीं पर जाना है दोस्तों।
ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर अगर ज़रा सा भी पैर फिसला तो हम नीचे जा सकते हैं और चोट वगैरह आने का अंदेशा तो है ही, हो सकता है। समझ गए होंगे आप, काफ़ी समझदार है। तो हम जो 20 मीटर की रस्सी लेकर आए रोप, तो रस्सी में तीनों उसमें तीन गांठ बांध कर तीनों हम उसको हाथ में पहन लेंगे, एक दूसरे से सेफ्टी रहेंगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी का पैर फिसला या कुछ ऐसा हुआ तो दो लोगों की वजह से वो रस्सी में अटका हुआ रहेगा, वो आसानी से ऊपर आ जाएगा। अभी आगे जाके रस्सी लगाएंगे, लेकिन वो वीडियो हम डाले नहीं है उसमें, इसलिए नहीं डाले कि घर वाले अगर कभी देखे तो बहुत सख्त ज़्यादा फजीयत करेंगे। तो अरे मैं तो बोल ही दिया हूँ, इसमें फजीयत तो होना ही है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है बड़ा खूबसूरत है, चलिए देखते हैं, लाइव देखते हैं कैसा है। और वहाँ पर गुफा वगैरह भी है, बड़ा बेहतरीन है, मज़ा आ गया दोस्तों। चलिए Thank you.